बात साल 1993 की है, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया था। चूंकि 1992 में ही समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने किया था और उनको अच्छा खासा उत्तर प्रदेश की राजनीति का ज्ञान था कि कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। बस इसी ज्ञान को सहारा बनाकर उन्होंने मायावती से हाथ मिलाया। सपा को 256 और बसपा को 164 सीटें। साल 1993 में समाजवादी पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़कर 109 सीटों पर जीत सकी और बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़कर 67 सीटें जीत सकी। मायावती का साथ पाकर मुलायम सिंह यादव सत्ता की चाबी हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन साल 1995 की गर्मी में कुछ ऐसा हुआ कि यूपी की सियासत ही गर्मा गई। गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? साल 1995 में लखनऊ स्थित गेस्ट हाउस में बसपा के नेताओं की बैठक चल रही थी। बैठक में मायावती भी मौजूद थी। कहीं से सपा के लोगों को यह जानकारी हुई कि मायावती बीजेपी के साथ जा सकती है। बस फिर क्या, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में चल रही बैठक पर धावा बोल दिया और बसपा के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की। मायावती ने किसी तरह कमरे में खुद को बंद करके अपनी जान बचाई थी। मायावती को यह अंदेशा हो गया था कि अगर वो बाहर रहीं तो उनकी जान जा सकती है। किसी तरह अंधेरी रात के बाद सुबह हुई और जल्द ही बसपा ने सपा से समर्थन वापस ले लिया। सपा सरकार औंधे मुंह गिर गई, जिसके बाद बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गई। 2019 में फिर साथ आए मुलायम मायावती। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव ने बीजेपी को पटखनी देने के लिए गठबंधन कर लिया और ये बुआ बबुआ की जोड़ी बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर गई। लेकिन वो पुराना दोहा रहीम अंधागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए, सच साबित हुआ और जिस बसपा और सपा ने यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में क्रमशः 39 और 37 सीटें बांटी थी, उसको हार का सामना करना पड़ा। सपा सिर्फ 5 सीटें जीत पाई, वहीं बसपा फायदे में रही, जिसके खाते में 10 सीटें आई। चुनाव खत्म होते ही मायावती और अखिलेश की राहें अलग हो गईं। इतना ही नहीं, मायावती ने अखिलेश पर धोखा देने तक का आरोप लगा दिया था। खैर, यूपी की राजनीति में किसी का भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन इतिहास को देखते हुए सपा बसपा का साथ आना 2022 और 2024 के लिए 99.99% मुश्किल लगता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।